हेल्थ से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्दी हेल्थ चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आप तक पहुंच सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले रोजमर्रा के तमाम कामों को करते हुए कई बार हमारा ध्यान भटक जाता है जिससे हमें चोट लगने और जलने जैसी परेशानियाँ उठानी पड़ती है व्हाइट ब्लड सेल्स की मदद से शरीर जले या कट्टे हुए घाव को तो जल्दी ही भर देता है लेकिन इस चोट या जले हुए के निशान स्किन पर बने रह जाते हैं जो देखने में बुरे लगते हैं आलू का रुपए अगर आप काम करते हुए जल जाते हैं या सूरज की किरणों से आपकी स्किन जल जाती है तो तुरंत एक आलू काटकर जले हुए स्थान पर आलू के रुपए से जली हुई त्वचा पर खोले नहीं पड़ते हैं और इससे जले का निशान भी नहीं बनता है आलू को त्वचा पर रगड़ने से आपकी जलन भी धीरे धीरे कम हो जाती है एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल में जले कटे के निशान मिटाने का गुण होता है इसके साथ साथ ये चेहरे के दाग दागबों को भी मिटाता है जल जाने पर एलोवेरा जेल को त्वचा पर लगाने से जलन में भी राहत मिलती है अगर आपके शरीर में कहीं भी जलने चोट या कटने का निशान है तो इन निशान पर ताजा एलोवेरा काट कर रोज उसका जेल रगड़े इससे निशान धीरे धीरे कम हो जाएगा केले का छिलका केले का छिलका भी जली हुई स्किन को ठीक करता है और निशान मिटाकर इसे त्वचा के रंग से मिला देता है जल जाने पर या चोट लगने पर केले के छिलके को प्रभावित स्थान पर 10 मिनट रगड़ें और फिर सूख जाने दें एक सप्ताह में ही आपकी त्वचा से निशान गायब हो जाएगा प्याज का रुपए प्याज का रुपए भी त्वचा पर बने हुए निशान को ठीक करता है प्याज में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए ये डले कटे चोट फोड़े फुंसी छाले आदि के निशानों को गायब कर देता है इसके लिए एक चम्मच प्याज के रुपए में एक चम्मच सिरका मिला लें और त्वचा पर इससे मसाज करें हल्दी हल्दी शरीर की रंगत को निखारकर इसे खूबसूरत बनाती है त्वचा की तमाम अशुद्धियों को दूर करने के लिए हल्दी का प्रयोग पुराने समय से किया जा रहा है त्वचा पर निशान को ठीक करने के लिए एक चम्मच हल्दी में डेढ़ चम्मच दूध मिलाकर पेस्ट बना लीजिए और इससे त्वचा की मसाज कीजिए तीन से चार दिन में ही आपकी त्वचा पर बने निशान हल्के होकर गायब हो जाएंगे